Swami Samarth, Jai Jai Swami Samarth, Akalkot Maharaj, Swami Samarth ko, Rudranath Ji ka lakh adesh. श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का ये वीडियो मंत्रविहीन है। मंत्रविहीन इसलिए है कि इस वीडियो के शुरुआत में महामंत्र दिया गया, वो महामंत्र जो मैंने खुद प्रयोग किया। जीवन में आप कितने भी निरस हों, कितने भी हताश हों, कितना भी काम नहीं बन रहा हो, लेकिन ये एक मंत्र है जिसको अगर आप जापें और स्वामी को अपने आसपास माने तो आपके जीवन में कभी भी कुछ ऊंचा नीचा हो ही नहीं सकता है। ये मेरे खुद का अपनाया हुआ एक उपाय है। स्वामी समर्थ मतलब गुरु। मैंने गुरुओं के बारे में पहले भी बताया था, मैंने महावतार बाबा जी के बारे में बताया था, मैंने भगवान दत्तात्रेय के बारे में बताया था, मैंने साईनाथ के बारे में बताया था। आज मैं आपको साईनाथ के गुरु यानी स्वामी समर्थ के बारे में बताऊंगा। स्वामी समर्थ खुद में एक महागुरु थे। उन्होंने हमेशा बोला कि मुझे गुरु मानो और गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता है। स्वामी समर्थ के बारे में मैं एक ऐसे वाक्य आपको बताता हूँ। एक बार एक यूरोपियन फोटोग्राफर, वो कोडैक कैमरा का कुछ प्रचार चल रहा था उस समय, स्वामी समर्थ का काफ़ी नाम था, तो वो आ गए स्वामी समर्थ का फोटो लेने। परमिशन नहीं मिली, उन्होंने छुप के स्वामी समर्थ की तस्वीर ले ली और उसके बाद वो आगे स्वामी समर्थ को दिखाने के, देखो मैंने आपकी तस्वीर ली है। तो स्वामी समर्थ ने अपने चेले को दिखा दिया कि ये देखो, ये मेरी तस्वीर इसने ली है। तो किसी को उस तस्वीर में श्री राम दिखते थे, किसी को कृष्ण दिखते थे, किसी को कानिव बाबा दिखते थे, कनोबा दिखते थे। बाद में स्वामी समर्थ ने उस तस्वीर को लिया, बोला कि ये मैं हूँ क्या? उसके बाद उन्होंने बोला मैं इतना मजाकिया दिखता हूँ क्या? और उसके बाद उस फोटोग्राफर को तस्वीर वापस हुई तो पता चला कि अरे भाई साहब, ये तो स्वामी समर्थ की तस्वीर है ही नहीं, ये तो बंदर की तस्वीर है। तब उस फोटोग्राफर को एहसास हुआ कि वो किस विभूति की तस्वीर ले रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने परमिशन लेकर के फिर जो तस्वीर खींची वो एकमात्र मतलब पहली फोटो तस्वीर थी स्वामी समर्थ की। देखो स्वामी समर्थ की भक्ति से क्या होता है। स्वामी समर्थ ने एक विषय रखा था, उन्होंने एक बात बोला था कि मैं तुम में जो तत्व है, जो तुम में तत्व है उसका संरक्षण करूंगा, और जो तुम में नहीं है, जो तत्व तुम में नहीं है उसका पूरक मैं बनूंगा। सोचो ये बहुत बड़ी बात है, ये गुरु का एक गुण है। देखो मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा था ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपको पहचानता हूँ, परंतु मैं आपको मानता हूँ। अकलकोट महाराज को अलग आदेश। स्वामी समर्थ जब भी आए मेरे स्वप्न में आए हैं। बात उन दिनों की है जब मैं शुरुआती साधनाएं करता था, उस समय मैं अपने गुरु स्थान या फिर अपने धुने या फिर अपने गुरु के पास से ज़्यादा समय श्मशान में देता था। हर तरह की क्रियाएं करता था, एक से एक अनुभूतियां होती थी। कपालिक गुरु थे हमारे, तो बहुत तरीके की साधनाएं करता था। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी। जैसे एक बार हम पिकनिक कर रहे थे मशान में, जब उस रात में लौटा तो रात में मेरे ऊपर एक अटैक हुआ। मुझे लगा कि शायद सोने के चलते मेरी सांस रुक रही हो,
जिसके चलते मुझे स्वप्न आया और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा हो। लेकिन मैं उठ के गया, आईने में देखा तो मेरे गर्दन पर पंजे का निशान था, मतलब किसी ने सही में मेरा गला दबाने का प्रयत्न किया था। मैं घर में अकेला था। ऐसी कई घटनाएं हुई, कई अनुभूतियां हुई। फिर एक दिन रात में मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में मेरे सामने कोई 7-8-9 फीट के इंसान होंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा रोबीला चेहरा, सात्विक हाथ जो है वो बिल्कुल ठेहुने तक उनके, लंबे लंबे कान, और वो बात कर रहे हैं मुझसे। उन्होंने बात करते करते, एक दूसरे व्यक्ति भी हमारे सपने में थे जिनको मैंने आज तक नहीं देखा, तो उनके साथ वो बात कर रहे हैं। अगला बता रहा है, यही है रुद्रनाथ, इन्होंने ये साधनाएँ कर रखी हैं। तो स्वामी बोलते हैं कि इनको तो ये साधनाएँ करना ही नहीं थी, ये किस लाइन में चला गया, ये तो इसकी गलती हो गई। और फिर मैं बड़ा चिंतित कि ये स्वप्न क्या था। स्वप्न के मतलब जनरली उल्टे ही होते हैं, तो बहुत व्यथित नहीं था लेकिन फिर भी था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक और बहुत ही नॉर्मल फेनोमिना है कि मुझे जिसके साथ जुड़ना होता है ना, उसके बारे में मेरे कान में बोला जाता है। जैसे मैं जब प्रभुपाद के साथ जुड़ा था, मुझे पता है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड विषय है, लेकिन जब मैं प्रभुपाद के साथ जुड़ा था, वो ऐसे जुड़ा था कि उनका गाया हुआ एक भजन मेरे कान में हमेशा चलता था जो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। उसी तरीके से इस स्वप्न के करीब 6-7 महीने बाद मेरे कान में इनका मंत्र चलता था, जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ था। तो मैंने फिर इनके बारे में सर्च किया, आज तक बहुत कोशिश कर ली, मैं अकलकोट नहीं जा पाया हूँ। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने इनकी साधना की और ना इनकी मैं तस्वीर रखता हूँ, मैं खुद से नहीं रखता। लेकिन एक बात है कि मुझे ऐसा अपने अंदर से लगता है कि इनको मैंने साध रखा है, ये हमारे साथ चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्वामी समर्थ ने मुझे बचाया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं बचा, उस तरीके से आप भी बच सकते हो। स्वामी समर्थ क्यों? स्वामी समर्थ इसलिए क्योंकि स्वामी समर्थ भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के कुल 3 अवतार हुए। पहला हुए थे श्रीपद श्रीवल्लभ, जो 14वीं सदी में हुए थे। दूसरे पूर्ण अवतार हुए नरसिम्ह सरस्वती जी, जो जैसे ही श्रीवल्लभ जी नहीं रहे, उसके करीब 20 साल बाद श्री नरसिम्ह सरस्वती आए। और नरसिम्ह सरस्वती जब साधना में बैठे तो कहा जाता है वो 300-400 साल साधना में रहे, और जब साधना से वो वापस आए तो वो स्वामी समर्थ हुए। स्वामी समर्थ का इतिहास पूरे भारत में है, हर जगह वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने महाराष्ट्र में जा कर के समाधि ली। देखो, महाराष्ट्र बड़ा पावन भूमि है, कहा जाता है कि वहाँ पर सारे देवताओं का आवाहन हुआ था, और उस भूमि पर, कोल्हापुर वाली भूमि पर सारे भगवान विराजते हैं। हमारे कानिफनाथ जी जो बिहार से थे, वो बंगाल घूमते हुए जाके मढ़ी बनाई महाराष्ट्र में। अकलकोट महाराज ने भी कहाँ बनाई, तो उन्होंने भी बनाई महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो, अकलकोट महाराज स्वामी समर्थ, इनकी साधना आप करो अगर आप बिल्कुल जीवन से निराश हो चुके हो, आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपको लगता है कि अब जीवन निरर्थक है और आप साथ में साधनाएं नहीं कर सकते हो, तो इससे बढ़िया साधना आपके लिए नहीं हो सकती है। देखो, मंत्र इनका कुछ है नहीं, इनका नाम ही इनका मंत्र है, जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, यही इनका मंत्र है। जहाँ रहो, उठते बैठते खाते पीते, इनका जाप करते रहो। देखो, किसी के भी प्रति जब तुम पूर्ण समर्पण देते हो ना, तो अगला तुमको पूर्ण समर्पण देता है। स्वामी समर्थ एक ऐसे देवता है, एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने मरणोपरांत भी अपने भक्तों को दर्शन दिया, और उन्होंने जाने से पहले बोल दिया था कि मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, मैं तुम लोगों के लिए अभी भी हूँ। तो कैसे करें इनकी पूजा? सबसे पहले तो भक्ति भाव रखो। देखो, आप किसी के साथ जुड़ते हो ना, आप जाते मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको ये दूंगा। देखो, पहले हो ना, उन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई चीज़ दे सकते हो, खरीदा जा सकता, ठीक है। तो
ना किसी भी देवता को या उसे काफी से जुड़ो, तो भक्ति भाव रखो। तुम क्या दे दोगे, जो तुम लेने गए हो उसकी कीमत तुम कभी अदा नहीं कर सकते। इसीलिए पहला सिद्धांत कि एक भक्ति भाव रखो, ठीक है। दूसरा, हमेशा स्वामी समर्थ की एक तस्वीर साथ में रखो, और साथ में रखो उनके चरण पादुका। गुरु की तस्वीर से जरूरी उनका चरण पादुका होता है, ठीक है। तो उनका चरण पादुका रखो, उसकी हमेशा पूजा करो, रोज सुबह शाम नैवेद्य दो, अगरबत्ती दिखाओ, दीपक दिखाओ, स्वामी चरित्र को पढ़ो। जो स्वामी समर्थ का जो स्वामी चरित्र है उसका भी एक खासियत है, आपने बहुत सारे स्वामियों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, इनकी कहानी उनकी कहानी, इन्होंने ये जादू कर दिया वो जादू कर दिया, लेकिन स्वामी समर्थ अगर आपको उपलब्ध हो जाए, सिर्फ आपके चाहने से नहीं होता, उनके चाहने से भी होता है कि वो आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे तो आप समझ लो कि आपके पास उनके जीवन काल का जो एक पुस्तक लिखा गया है संत चरित्र, वो आपको मिलेगा। आप जब संत चरित्र पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको आपकी त्रुटियां नजर आएंगी, और जब आप उस किताब को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वामी समर्थ आपको बता रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती रही जीवन में, अब इसको सुधारना है। स्वामी के ऊपर ध्यान करो, ठीक है। हमेशा, जैसे एक कहानी मैंने आपको बताई थी ना कि एक हरिद्वार में एक साधु सोया हुआ था, एक 10 नामी साधु गया, बोला क्या तुम सोए हुए हो, तुमको तो हमेशा राम नाम जपना चाहिए। तो साधु ने बोला तू इधर आ, तो वो 10 नामी साधु गया उसके, बोला कि मेरे हाथ पे अपना कान लगाओ, तो उसने हाथ पे कान लगाया तो उसके रोम रोम से राम 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 ये जप आ रहा था। तो ऐसे ही आपको हमेशा उनकी भक्ति में डूबे रहना है। तीसरा, जो मंत्र है, तीसरा चौथा पांचवा जितना भी हुआ, जो मंत्र है स्वामी का, श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, या जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहे, गिनती ना करें, ठीक है। स्वामी का जो मंत्र रिकॉर्डेड है, जो भजन है, वो सब आप सुनते रहें, मतलब आपको थोड़ा सा उनमें समाहित हो जाना है, उनके थॉट्स में समाहित हो जाना है। और कैसे भक्ति कर सकते स्वामी की, उनके नाम पे कुछ चैरिटी कीजिए, मतलब सेवा कीजिए लोगों की। ऐसा नहीं चैरिटी कोई एनजीओ को फंड दे दिया, कुछ यहाँ डोनेट कर दिया, वहाँ खुद से करो कुछ, स्वामी समर्थ के नाम पे गरीबों को भोजन करो या खुद करो, जो भी करना है। और अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वामी के भक्ति में, वो ये है कि आपको सरेंडर करना होगा। आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, ये स्वामी पर छोड़ दो कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो मंत्र है श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, या जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, इसका आप लोग जाप करो, स्वामी समर्थ की कृपा आप लोगों को मिलेगी। तो जीवन में जो भी भूत प्रेत तंत्र बाधा एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपके लाइफ में, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो वो स्वामी समर्थ के भक्ति मात्र से सिद्ध हो जाएगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को साधना का बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सीखना है तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में वो जुड़ सकता है। इसके अलावा मेरा एक किताब है जिसको भूत प्रेत से बात करने में इंटरेस्ट हो मशीनों के द्वारा, वो इस किताब को अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी पूरे विश्व में खरीद सकता है। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.aghortantrarahasya.xyz। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वहां पे उसको इंस्टॉल करिएगा, रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा तो कॉलिंग ऑप्शन आएगा, आप वहां मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।